is production of anticoagulant hirudoin. Production of anticoagulant hirudoin. अभी anticoagulant क्या है? आप लोगों को anticoagulant के बारे में पता है, because हम लोगों ने circulation unit study कर लिया है. Blood को clot नहीं होने देता है. That thing is called as the anticoagulant. ठीक है, मोस्टली आपने हेपेरिन के बारे में पढ़ा है. हेपेरिन एक प्रकार का एंटीकोएगुलेंट है जो हमारे ब्लड में ही प्रेजेंट होता है. ओके, हेपेरिन एक प्रकार का एंटीकोएगुलेंट है जो ब्लड को इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द ब्लड वेसल कोएगुलेट होने नहीं देता है. ब्लड हमेशा लिक्विड फॉर्मेट में फ्लो होता है. उसी प्रकार का जैसा हेपेरिन है जो नेचुरल कोएगुलेंट है, हेपेरिन इज अ नेचुरल ब्लड एंटीकोएगुलेंट. हेपेरिन ये नेचुरली हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है. तो जैसे हेपेरिन है जो नेचुरल है, उसी प्रकार से एक और एंटीकोएगुलेंट हमें पता है और उसका नाम है हायरोडीन. बट दिस हायरोडीन इट इज फाउंड टू बी प्रेजेंट इन द सलाइवा. ये किस यही कहाँ प्रेजेंट होता है? ये इट इज फाउंड टू बी प्रेजेंट इन द सलाइवा ऑफ लीच. दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर, दिस इज द लीच. ये लीच है. बहुत बार आप लोगों ने मूवीज में डिस्कवरी पर या फिर कहीं और देखा होगा, ये ब्लड सक करता है. एंड हम लोग पढ़ भी चुके हैं इसके बारे में. देखो अब एक पॉइंट ध्यान रखो, लीच ये वर्ड आपके सामने आया है. जैसे ही लीच वर्ड सामने आएगा, आपके माइंड में एनिमल किंगडम रिकॉल होना स्टार्ट हो जाना चाहिए. अभी नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज अभी हमारा स्टडी कम्प्लीट नहीं हुआ है. लेकिन मेन एग्जामिनेशन से पहले, नीट से पहले, ये सारी चीजें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए. जैसे लीच का वर्ड आया, तो लीच कौन से फाइलम को बिलोंग करता है? लीच बिलोंग टू द फाइलम एनेलिडा. ठीक है, फिर एनेलिडा के प्रॉपर्टीज क्या है, वो सारे आपको धीरे धीरे रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी. लीच मतलब हायरोडिनारिया, याद होगा आप लोग, हम लोगों ने पढ़ा था फाइलम एनेलिडा के अंदर. लीच का साइंटिफिक नेम है हायरोडिनारिया. इसलिए हायरोडीन का प्रोडक्शन करती है. लीच के सलाइवा के अंदर हायरोडीन प्रेजेंट होता है और ये हायरोडीन एज अ एंटीकोएगुलेंट हम लोग यूज करते हैं इन द लेबोरेटरी. लेबोरेटरी में हम लोग इस हायरोडीन को यूज करते हैं एज अ एंटीकोएगुलेंट. जब आपको ब्लड कैरी करना है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, तो हम लोग ट्यूब के अंदर हायरोडीन डाल के रख देते हैं. सो दैट जब आप लोग ट्यूब में ब्लड डालोगे तो ब्लड कोएगुलेट नहीं होगा, ब्लड एज इट इज लिक्विड फॉर्मेट में प्रेजेंट रहेगा. सो लेबोरेटरी में एज अ एंटीकोएगुलेंट हम लोग इस हायरोडीन को यूज करते हैं. एंड दिस हायरोडीन इट इज प्रेजेंट इन द सलाइवा ऑफ लीच. तो हम लोगों ने क्या किया, लीच के शरीर से हायरोडीन प्रोड्यूस करने वाला जो जीन है, वो जीन को आइसोलेट कर दिया. लीच के डीएनए से हम लोगों ने जीन आइसोलेट किया है. कौन सा जीन? ऐसा जीन जो हायरोडीन का प्रोडक्शन करेगा. ठीक है, तो हम लोगों ने हायरोडीन प्रोड्यूस करने वाला जीन आइसोलेट किया है फ्रॉम द लीच. ओके, नाउ दिस जीन इज इट इज इंट्रोड्यूस. इसे हम लोगों ने क्या किया है, इंट्रोड्यूस कर दिया. दिस जीन इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन टू अ प्लांट नेम्ड एज ब्रासिका नेपस. ब्रासिका नेपस, ब्रासिका नेपस क्या है ये? ये भी मैंने आपको बताया, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था. रेफेनो ब्रासिका का एग्जांपल हम लोगों ने स्टडी किया था. रेफेनस ग्रो करना था हम लोगों को सॉइल के नीचे, एंड ब्रासिका ग्रो करना था हमको सॉइल के ऊपर. तो प्लांट मेरे ख्याल से टिश्यू कल्चर वाला जो हमारा प्लांट है यूनिट है, उसमें हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किया था. ब्रासिका, दिस इज द ब्रासिका जिसे आप लोग मोहरी, राई एक्सेट्रा एक्सेट्रा और क्या क्या नाम देते हो, तो ठीक है, जो तड़का मारने के लिए यूज करते हैं हम लोग, दैट इज द ब्रासिका. हम लोगों ने क्या किया, लीच के शरीर से डीएनए निकाला, जीन आइसोलेट किया. जीन कौन सा है, हायरोडीन प्रोड्यूस करने वाला जीन हम लोगों ने हायरोडीन, ठीक है, हायरोडीन प्रोड्यूस करने वाला जीन हम लोगों ने आइसोलेट किया. एंड दिस जीन इट इज ट्रांसफर्ड, इट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ब्रासिका नेपस. ब्रासिका नेपस के डीएनए के साथ हमने इसे अटैच कर दिया. देन दिस हायरोडीन प्रोड्यूसिंग जीन, इसका ट्रांसक्रिप्शन हो, ठीक है, इसका ट्रांसक्रिप्शन होने लगा. ब्रासिका नेपस प्लांट के अंदर हायरोडीन प्रोड्यूस करने वाला जो लीच का जीन है, उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा. ट्रांसक्रिप्शन के बाद में ट्रांसलेशन होगा. ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, रिजल्ट के अंदर ब्रासिका नेपस के जो सीड्स थे, वो सीड में ढेर सारा हायरोडीन प्रोड्यूस होने लगा, ढेर सारा हायरोडीन एक्यूमुलेट होने लगा, इकट्ठा होने लगा. ब्रासिका नेपस के जो सीड्स है, ये सीड आप लोग देख ही रहे हो स्क्रीन के ऊपर जो ब्लैक कलर के, दीज आर द सीड्स ऑफ ब्रासिका नेपस. तो ब्रासिका नेपस के सीड में ढेर सारा हायरोडीन का कलेक्शन होने लगा.
हम लोगों ने सीड में से हायरोडीन को सेपरेट किया एंड लेबोरेटरी में हायरोडीन को यूज करने लगे एज ए एंटीकोएगुलेंट। तो एक एंटीकोएगुलेंट हायरोडीन जो लीच के सलाइवा में प्रेजेंट था उस जीन को आपने ट्रांसफर कर दिया है इन द ब्रासिका नेपस। तो ब्रासिका नेपस के सीड में ये जीन प्रेजेंट है, ढेर सारी मात्रा में ब्रासिका नेपस के सीड में हायरोडीन प्रेजेंट है। उस हायरोडीन को हम लोग आइसोलेट करते हैं, मतलब प्यूरिफाई करके सेपरेट करते हैं एंड लेबोरेटरी में एज अ ब्लड एंटीकोएगुलेंट से यूज करते हैं। गॉट इट? यस यस। ओके, अब क्वेश्चन आ सकता है कि फिर हेपेरिन क्यों यूज नहीं करते, जब हेपेरिन भी है हमारे पास में, तो नेचुरल है, ठीक है, हेपेरिन इज अ नेचुरल एंटीकोएगुलेंट, तो फिर उसे क्यों यूज नहीं करते? हम लोग हेपेरिन को भी यूज कर सकते हैं, बट हेपेरिन का जो प्रोसेसिंग है, हेपेरिन का आइसोलेशन, हेपेरिन का जीन आइसोलेट करना है, देन उसको फिर प्रोडक्शन करना है, फिर उसको प्यूरिफाई करके सेपरेट निकालना है, तो हेपेरिन की प्रोसेस कॉस्टली हो जाती है। हायरोडीन की प्रोसेस ये इसको बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं लगती, बट हेपेरिन वाली प्रोसेस को थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा लग जाता है। दैट्स व्हाई कॉस्ट इफेक्टिव हम लोग वर्कआउट करते हैं, इंस्टेड ऑफ हेपेरिन हम लोग लेबोरेटरी में हायरोडीन को यूज करते हैं, बिकॉज इसे प्रोड्यूस करने में हमें ज्यादा कॉस्ट नहीं लगती। गॉट इट?